यह बस्ती दशकों से बसी हुई तो क्या कानून की नज़र कुछ और ही होती है, जिसमें गौरैये मैने कबूतर के घोंसले अवैध होते हैं, उनके नाम से पंजीकृत नहीं होते ना। संदर्भ अतिक्रमण हटाओ। सुनिए मित्रेश्वर अग्निमित्र के कुछ बयान। पहला बयान, एक सनातन जिज्ञासा। यहाँ मेरा छप्पर डालना नॉन बेलेबल अपराध था। भारी अवमानना थी न्यायालय की इस बस्ती का वजूद। इस जमीन पर गूंजना मेरी बेटी की किलकारी अपराध था संज्ञेय। तुमने अच्छा किया एक संगीन जुर्म जारी रखने के कुकृत्य से मुक्त कर दिया तुमने। शुक्रिया, शुक्रिया तुम्हारा। अब मेरे हम वतन, एक एहसान और कर। यह बता कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैले स्वर्गादपि गरीयसी इस मादरे वतन में मेरी ठौर कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी का वह आंगन जहाँ थाई थाई वह चल सके? और मेरे हाकिम, यह भी बता कि तुम्हें दूध पिलाने वाली यह माता तुम्हारे सहोदर को दूध पिलाते वक्त बिसुख क्यों जाती है? तुम्हारे सहोदर को दूध पिलाते वक्त बिसुख क्यों जाती है? अगला बयान, अचरज। शिकायत यह नहीं कि तुम बुलडोजर हो, यह भी नहीं कि हो मजबूर आदेश पाल, अथवा क्यों पीस डाली जिंदगियां तुमने। तुमसे कुछ भी शिकायत नहीं, तुमसे कुछ भी शिकायत नहीं। अचरज बस यह है कि एक एक कर धड़कने बंद करते वक्त तुम्हारी आंखें नम नहीं हुई। सुनिए अगला बयान, बनाओ संगमरमरी मेमोरियल। यहाँ एक बड़ा बाग सजेगा, बनेगी ऊंची चार दीवारी, बदसूरत झुग्गियों बेढंगे लोगों ठेले गुमटियों की जगह अब यहाँ सजेगा एक रोज गार्डन। बधाई तुम्हारे सौंदर्य बोध के लिए। एक काम और करना, वहाँ जहाँ धनपतिया करता था रिक्शे मरम्मत, वहाँ बनवाना एक आलीशान मकबरा। इस मुल्क में बड़े रमणीक मकबरे, ताज, राजघाट, शांतिवन, मुरादें मिलती हैं यहाँ मज़ारों पर। सबसे स्मरणीय मेमोरियल ही तसल्ली, राहत, इत्मीनान यहाँ कब्रों में ही संभव। याद रखना, यहाँ बड़े प्रणम्य हारे हुए नायक, यहाँ बड़े प्रणम्य हारे हुए नायक। खूब सजेगा यहाँ रोज गार्डन, खूब सजेगा मकबरा। यहाँ भी एक समूह पराजित हुआ है, यहाँ भी एक बस्ती दफन हुई है। या मुश्किल है बनाना संगमरमरी मेमोरियल आम का अवाम का? अगली प्रस्तुति, वीरान और बंजर। वह दरवाज़ा रोज़ाना दोपहर रात डोमन जिसे पीटता था चित्त पड़ा है। वह दीवार ढह गई कमरू के सपनों के साथ। वह छत नहीं अब
पिंटू ने डाली थी जिसे अपने सिर पर, लुस्की का वह टूल लुढ़का पड़ा है जिस पर बैठ बाट जोहती थी वह सूर्या की। पेड़ की छांव या नीले आकाश के नीचे जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी नहीं पालना सपने। जब सारी दुनिया के सभी मार्ग खुले उसके लिए, सारा आसमान समा गया है जिन आँखों में, अब कुछ दिन उन आँखों में सपने नहीं अंकुराएंगे, अब कुछ दिन इन आँखों में सपने नहीं अंकुराएंगे, अब कुछ दिन इन चेहरों पर गुलाब नहीं खिलेगा, अब कुछ दिन इन चेहरों पर गुलाब नहीं खिलेगा। आखिरी प्रस्तुति ससीम विध्वंस निर्माण असीम। फिर सपने उगेंगे, फिर भूख लगेगी, फिर रास्ता बनेगा, फिर गांव बसेगा, ईंट ईंट जुटेगी, तिनका तिनका जुड़ेगा, बादल उतरेगा, शाख सब्ज होगी, सीमा सदा प्रलय की, असीम सदैव रचना, निस्सीम सृजन अविराम निर्माण, मौजूद सदा ही संभावनाएं अनंत, फिर बस्ती बनेगी, फिर आदमी जगेगा। एक और बात कह दूं, आइंदा होशियार रहना। 11 जून 12 बजे दिन 47 डिग्री तापमान, अपने दरवाजे पर बुलडोजर देख मंगली समेटने लगी बर्तन, प्लास्टिक के थैले में चीथड़े घुसेड़ने लगा अर्जुन, छुटकी की उंगली पकड़ बाबू को गोद ले सरक गई बड़की, बंदूक वालों की नजर से दूर, लेकिन रतनु तुम क्यों लेट गए उसके चक्के के सामने, रोने सुबकने लगे तुम क्यों रतनु, माना कि उनकी गोली की मार, माना कि उनकी गोली की मार किलोमीटरों तक, पर पेड़ की फुनगी तक पहुंचता है तुम्हारा पत्थर भी, रतनु फिर क्यों मांगी दया की भीख, आइंदा होशियार रहना, कहीं फिर तुम्हारे आंसू तुम्हारी कलाई और तुम्हारे कलेजे का अपमान नहीं कर बैठे, आइंदा होशियार रहना, कहीं फिर तुम्हारे आंसू तुम्हारी कलाई और तुम्हारे कलेजे का अपमान नहीं कर बैठे।